ऑब्जेक्ट रेफरेंस मॉडल के आधार पे हमने इसको ऑर्गेनाइज करने का कोशिश किया है। इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो दो लेवल का इवैल्यूएशन होता है, एक तो इन हाउस रिव्यू किया जाता है और थर्ड पार्टी रिव्यू किया जाता है। इन हाउस में जो भी रिसोर्सेज बनते हैं हर फ्राइडे को सीआईटी के लोग ही बैठ के उसको देखते हैं और उस पर अपने क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन देते हैं, लेकिन इसके बाद थर्ड पार्टी को भी ये रिसोर्सेज रिव्यू के लिए दिए जाते हैं और अप्रूव्ड कंटेंट ही एनआरओ यार पर उपलब्ध होता है। और लेवल टू जो है जब रिसोर्स वास्तव में रिपोजिटरी पर हमने शेयर कर लिए। टाइप करोगे आपको पूछेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि मेरा पहला स्टेप था कि आपको गूगल पे जाके सर्च करना है वेकलेट। जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, होपफुली मेरी स्क्रीन क्लियर है आपको। यहाँ पे मैंने पहला स्टेप दिखाया है, google.com पे जाके वेकलेट सर्च करेंगे। वेकलेट सर्च करने के बाद आप यहाँ पे अगर देख सकते हो साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास कोई मतलब आपके पास ऑलरेडी लॉग्ड इन आईडी है, जीमेल आईडी, माइक्रोसॉफ्ट आईडी, तो आप उससे कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कर सकते हो, गूगल अकाउंट से कर सकते हो, या अपने ईमेल से भी कर सकते हो। तो सेकंड स्टेप है आपको साइन अप करना है, ठीक है। तो लेट्स गेट ऑन साइन अप। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएंगे कि इफ यू ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑफ गूगल। Live session, live demo, you have to click on just type Edpuzzle, EDPUZZLE, Edpuzzle. The screen will are like this for you, and the options here you will find is Edpuzzle login, sign up, Edpuzzle.com content, and sign up as a student and a teacher. So here you can see that separate accounts can are created to the teachers and the students. So next step we will follow the demo by clicking on if you select this. Password. तो password के बारे में अगर मैं आपसे एक अब इसको अगर आप कभी ट्राई करेंगे, एक साइट है haveibeenpwned.com, एक छोटा सा टूल है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ईमेल एड्रेस बदल दिया है, किसी ओरिजिनल आईडी पर यह सर्च किया गया था। पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बताऊं, ये टूल करता क्या है। आप हमारी आईडीज जो है वो कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज हुई है, जो हमारी सबसे ज्यादा यूज में है, जिसको हम अपने सारे टाइम जिसको हम डाउनलोडिंग के लिए रजिस्टर करते हैं। आपको कई बार हैरानी होती होगी हमारा डेटा जाता कैसे इन लोगों के पास, मेरी ईमेल आईडी आई कैसे, मैंने तो शेयर नहीं करी थी। और खास तौर पे उस आईडी को तो बचाकर रखिए जो आपकी बैंक के साथ जुड़ी हुई है। तो इसमें आप जैसे ही अपनी ईमेल आईडी डालते हैं और पॉन्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका अगर आईडी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक गूगल फॉर्म टाइप किया।
और गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद गूगल में ये आपके सामने बॉक्स खुल के आएगा। आपको यहाँ से लॉग इन करना है, अपने जीमेल अकाउंट पर साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये अनटाइटल्ड फॉर्म खुल करके आ जाता है। और जैसे ही आप ये अनटाइटल्ड फॉर्म करते हैं, सबसे पहले आप फॉर्म को क्या करेंगे, रिनेम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लास सेवेंथ टेस्ट। तो इसको आपने करने के बाद अब क्या करना है आपको, दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये जो डिस्क्रिप्शन का जो कॉलम है, इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में आप लिख सकते हैं कि दिस टेस्ट विल बी। क्या टेक्नोलॉजी जितनी जब से हम लोग अपनी क्लास में यूज कर रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट बच्चों में हुआ है। तो AR अल्फाबेट्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल ऐप है। AR ऐप है, फ्लिकर जो आपका ऐप है, ये पूरा आपका असेसमेंट टूल पे आधारित है और इसको मैंने एज ए अटेंडेंस ट्रैकर के रूप में भी यूज किया है। तो आगे वाले स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले मैं AR अल्फाबेट्स के ऊपर जाता हूँ। AR अल्फाबेट्स जो ऑगमेंटेड रियलिटी अल्फाबेट्स है, आप यहाँ पे मैंने QR कोड दिया है कि सीधे सीधे आप अपने प्ले स्टोर इसको स्कैन करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो आप मेरे राइट इस पे हम पिक्सेल भी लगा देते हैं ताकि कहीं से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं और हमारे बॉक्स गिरे नहीं। देखते हैं हम प्रकार से यहाँ पर हमने केमिस्ट्री की अवधारणा को समझा कि हमारा मटेरियल कहीं से लीकेज लग रहा है, एक दो बूंदे यहाँ पर गिर गई, नो प्रॉब्लम। अब हम इसमें दूसरा ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर क्योंकि प्ले मोड में है तो स्क्वायर कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा इस टाइप से। तो सारे हमारे स्क्वायर नीचे गिर रहे हैं, इसको प्ले मोड से हम ऑफ करेंगे और यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे। अब स्क्वायर का मटेरियल यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। इसका मटेरियल हमने यहाँ पर हम चलते हैं मटेरियल में, तो इसको हम वुड ले लेते हैं। वुड के साथ में क्या होता है, एक नया माइंड मैप ओपन हो जाएगा जिसमें बीच में अपने आप एक सेंट्रल आइडिया, जो सेंट्रल आइडिया हम लोग माइंड मैप बनाने के लिए देख रहे हैं, वो सेंट्रल का माइंड मैप का आइडिया वैसे ही अपने आप आ जाएगा। जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दैट सेंट्रल आइडिया ऑफ माइंड मैप। देयर वी कैन चेंज द नेम। सपोज अगेन आई एम गोइंग टू टाइप फोटोसिंथेसिस। This is our main concept. We are going to build a concept map or a mind map on the given photosynthesis concept. अभी हम लोग concept map या mind map यही photosynthesis से मतलब हम लोग build up करेंगे। इसके हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग इसको एक branch open करना है, photosynthesis से एक branch open करना है। इसके लिए हम लोग इसके ऊपर जाके photosynthesis जो node, इसको node बोलते हैं, ये node के वो खींच लिया, सेगमेंट बना लिया। तो अब मेरे पास एक एंगल का निर्माण हो गया है। अब मेरे पास एक एंगल, दो लाइन के बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उससे एक एंगल का निर्माण हो गया। अब हम कैसे फाइंड करेंगे ये एंगल कितने अंश का है, तो इसके लिए इसमें आपने मैंने पीडीएम में बताया था कि इसके लिए जिस टूल का प्रयोग करेंगे उसे बोलेंगे एंगल टूल। आप देखेंगे एंगल सिलेक्ट थ्री पॉइंट और टू लाइंस। पहला टूल है एंगल मेल टूल में, पहला ही टूल है एंगल टूल। अब इसको प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है। इस प्रकार हम सामान्य रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब हम जिस एंगल को रीड करना चाहते हैं तो उसको कैसे पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि बच्चों
आज मैं आपको H5P बताना सिखाऊंगा और यहाँ से लॉगिन करेंगे H5P पर, गूगल पर H5P डालने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं यहाँ पर यूज़र अकाउंट में आपका आईडी और पासवर्ड मांगता है। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते हैं, आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये आपका लॉगिन करेंगे तो ये आपका यहाँ से जो है वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से आपका फ्रंट पेज खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आप ट्राई आउट करेंगे और ट्राई आउट करने के बाद क्रिएट इंटरेक्टिव करेंगे। ये बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रैग द वर्ड और इंटरेक्टिव वीडियो, मेमोरी, गेम, कॉलम। तो हम ड्रैग द वर्ड करके देखते हैं यहाँ पर। CBSE से आप हैं सुश्री कृपाली रथिन संघवी। आपने भी उच्च एवं उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कंप्यूटर विज्ञान के सुरुचिपूर्ण शिक्षण में ई संसाधनों व विषय से संबद्ध प्रश्न कोश का निर्माण किया। QR कोड्स और सोशल नेटवर्किंग का प्रयोग आपने बड़े सटीक और रोचक ढंग से किया है। इस कार्य हेतु आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रुथिन संघवी, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापिका कंप्यूटर विज्ञान, उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन सरदार पटेल संस्थान के सामने, अहमदाबाद, गुजरात। उत्तर प्रदेश से आप हैं श्री प्राणेश भूषण मिश्रा। कक्षा 6 से 8 में कंप्यूटर विज्ञान और गणित के शिक्षण में आपने वीडियो कार्यक्रमों और एनिमेशन का प्रचुरता से उपयोग किया जिससे बच्चों के लिए शिक्षण आनंददायक बन सका। आपके इस कार्य हेतु आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया जाता है। गणेश भूषण मिश्रा, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश। श्री रवि, सुश्री उमा रानी चिडुका तेलंगाना की शिक्षिका हैं। आपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर पर गणित और अंग्रेजी सिखाने के लिए अनेकानेक मोबाइल एप्स के द्वारा ICT का इस्तेमाल किया और शिक्षण अधिगम को रुचिकर बना दिया। आपके इस कार्य हेतु आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती उमा रानी चिलुका, माध्यमिक श्रेणी अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाडगुड़ा, हैदराबाद, तेलंगाना। श्री देवनपल्ली नाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन से आप हैं डॉक्टर असद अहमद। आपने ICT का बहुत नवाचारी प्रयोग किया। स्नातकोत्तर शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों को पढ़ाने में जब व्यवधान हो रहा था तब आपके सकारात्मक प्रयास से मध्य प्रदेश के विदिशा में स्काइप द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के 17 विद्यालय कक्षा के सीधे प्रसारण से जुड़ गए, इसलिए आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार मिल रहा है। डॉक्टर असद अहमद, स्नातकोत्तर शिक्षक, अर्थशास्त्र केंद्रीय विद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जनाब फैसल एस, मध्य प्रदेश के श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी ने कक्षा 9 और 10 में विज्ञान और 11 तथा 12 कक्षा के लिए जीव विज्ञान के शिक्षण में ICT का प्रचुरता से प्रयोग करते हुए ई पाठशाला और NROER के संसाधन कोष को सिखाने का साधन बनाया। आपने विज्ञान क्लबों की स्थापना की और इसके द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान से संबद्ध
कक्षागत सक्रिय गतिविधियों को सोशल मीडिया के द्वारा प्रोत्साहित किया। आपको इस प्रशंसनीय कार्य हेतु राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिया जाता है। पाटीदार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक जीव विज्ञान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शाजापुर मध्य प्रदेश श्रीमती आप हैं उत्तर प्रदेश से सुश्री प्रतिमा सिंह। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के पठन पाठन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपने ICT का उपयोग बड़े ही नवाचारी तरीके से किया। पढ़ाने की नवोन्मेषी सामग्री की प्राप्ति के लिए आपने इंटरनेट का बखूबी इस्तेमाल किया, उन्हें विभिन्न पठनीय संकल्पनाओं से जोड़ा और उन्हें शिक्षण की प्रक्रिया में समाहित भी किया। आपके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। प्रतिमा सिंह प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय दुसा बलरामपुर उत्तर प्रदेश श्रीमती सोना ओके। मोहम्मद अयाज रैना, कक्षा 9-10 हेतु विज्ञान शिक्षण में आपने ICT का प्रयोग बहुत प्रभावी ढंग से किया है। विशेषकर कक्षा 11 और 12 की वनस्पति विज्ञान के नवाचारी शिक्षण की प्रक्रिया में आपने प्रश्नोत्तरी विकसित की तथा ऑनलाइन संगोष्ठियों और विषय परक वाद विवाद का आयोजन किया। शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में विकास करने के लिए आपने सोशल मीडिया का उत्कृष्ट प्रयोग किया है। जम्मू कश्मीर आपकी कर्मभूमि है। आपके कार्यों को सम्मान देते हुए आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अयाज रैना अध्यापक एवं नोडल ऑफिसर राजकीय बाल मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला राजौरी जम्मू और कश्मीर श्री महेश। तेलंगाना राज्य के शिक्षक श्री देवनपल्ली नागाराजू ने विज्ञान और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण में ICT का सराहनीय प्रयोग किया है। आपने मुफ्त में उपलब्ध डिजिटल संसाधनों और रोचक कंप्यूटर अनुप्रयोगों यानी एप्स का बखूबी इस्तेमाल किया, जिसमें ओपन शॉट, वीडियो एडिटर, कैडन लाइव, फ्री माइंड और ऑडेसिटी का उल्लेख विशेष रूप से किया जा सकता है। आपके इन प्रयासों की प्रशंसा में आपको राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नागराजू स्कूल असिस्टेंट जीव विज्ञान राजकीय उच्च विद्यालय गजबेल सिद्धिपेट तेलंगाना।